हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 11th एंड 12th बिजनेस स्टडीज। स्टूडेंट्स, हमने न्यू चैप्टर चालू किया था क्लास 11th में, यू रिमेंबर और नॉट, दैट इज इंटरनल ट्रेड, चैप्टर नंबर 10। और इंटरनल ट्रेड के जो फर्स्ट सब टॉपिक था, दैट इज इंट्रोडक्शन इन मीनिंग, उसमें मैंने आपको बताया था कि दो तरह की ट्रेड होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। बट इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। सो आज हम सेकेंड सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 क्लास 11th इंटरनल ट्रेड का, जिसका नाम भी इंटरनल ट्रेड ही है। yes, तो इसमें हम एक लाइव केस स्टडी एग्जांपल देखेंगे रियास हैंडीक्राफ्ट्स का, एंड उसको समझेंगे कि कैसे इंटरनल ट्रेड होती है। आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। स्टूडेंट्स, हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 फॉर सीबीएसई बोर्ड ऑन दिस चैनल। एंड हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहाँ पर हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। स्टूडेंट्स, जितनी भी क्लासेस आपको मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड होती हैं, दीज आर इन हाई क्वालिटी एंड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड वी प्रोवाइड यू ई नोट्स एंड ई बुक्स ऑल्सो, जिसकी लिंक आपको कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड आपको मिलते हैं हमारी ऐप एंड वेबसाइट पर फुली ऑर्गनाइज कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सो देर किस बात की है, फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड लेट्स स्टार्ट आर टूडेज टॉपिक, दैट इज इंटरनल ट्रेड। सो इंटरनल ट्रेड, मैंने आपको शब्द ही समझाया था, इंटरनल मतलब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, और ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जब हम इंडिया की बॉर्डर्स के अंदर जितनी भी ट्रेड करते हैं, या फिर जो वाटर्स इंडिया के हैं उसमें, उससे लिंक जितनी भी ट्रेड करते हैं, वो सारी ट्रेड क्या कहलाती है, इंटरनल ट्रेड। अब यहाँ पे एक मैंने जर्नी ऑफ रियास हैंडीक्राफ्ट्स, ये मैंने एग्जांपल खुद बनाया है ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि व्हाट इज़ इंटरनल ट्रेड। चलिए इस कहानी को समझते हैं। रिया एक लड़की है जो कि स्मॉल टाउन में रहती है राजस्थान के, ठीक है। सो रिया लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन इन राजस्थान, known for its beautiful hand-woven carpets. Her family had been weaving these carpets for generation. तो रिया जो है राजस्थान के एक छोटे से टाउन में रहती है, और उसका she is known for its beautiful hand-woven carpets. वो जो अपन कालीन बिछाते हैं ना, वैसी वो कालीन बनाती थी, बहुत प्यारी प्यारी, ठीक है। और उनकी फैमिली का भी इन्हीं कारपेट्स की वीविंग का जनरेशन से बिजनेस रहता आया है। वन डे रिया डिसाइडेड टू टर्न देयर क्राफ्ट इन टू अ बिजनेस। सो अब रिया ने डिसाइड किया है कि no more this craft DIY thing, I will turn this into an official business, okay? So she started a small company called Riya's Handicrafts to sell carpets across India, ठीक है? तो उसने एक छोटी सी कंपनी चालू की जिसका नाम था Riya's Handicrafts, ताकि वो पूरे इंडिया में कारपेट सेल कर सके। सो सबसे पहली हिंट आपको क्या मिली, पूरे इंडिया में, अक्रॉस इंडिया, यानी डोमेस्टिक टेरिटरी की वो बाहर की बात नहीं कर रही है, सबसे पहले वो इंडिया का मार्केट कैप्चर करने बोल रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब स्टेप वन, अब रिया को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, एक्सपैंडिंग बियॉन्ड द लोकल मार्केट, ठीक है। लोकल मार्केट में तो वो कारपेट इजीली सेल कर सकती है, खुद जा जाके फेरिया कर करके, या फिर छोटी सी एक दुकान भी डाल के, ठीक है, या फिर किसी एजेंट से टाई अप करके सप्लाई कर सकती है डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स। बट अब हमें लोकल मार्केट्स में एक्सपैंड करना था, बियॉन्ड उसके एक्सपैंड करना था, ठीक है। सो एट फर्स्ट रियाज बिजनेस वॉज लिमिटेड टू सेलिंग कारपेट्स इन हर टाउन, है ना। तो रिया पहले सिर्फ और सिर्फ अपने टाउन जो कि राजस्थान में है, वहीं पे कारपेट बेचती थी, ठीक है, चाहे वो कैसे भी बेचती हो, ठीक है। सो हर टाउन, चाहे वो शॉपकीपर से कनेक्टेड हो, या फिर वो खुद इन पर्सन जाके सेलिंग कर रही हो, जिसको हम बोलते हैं फेरी वाले, या फिर वो एक एजेंट से टाई अप करके रखी है जो शॉपकीपर्स को सेंड करता है उसके बनाए हुए कारपेट्स, एंड लेटर ऑन उसको कमीशन मिल जाती है एजेंट को, एंड रिया को उसका रिटर्न मिल जाता है। इस तरीके से भी मे बी, एंड डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर किसी को वो अपनी खुद की शॉप ओपन कर ले तो डायरेक्ट सेलिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। सो अपने टाउन में तो उसने अच्छा खासा मार्केट बना रखा है। अब आगे देखें, however she realized that if she wanted to grow, she would need to sell her carpets to people in other parts of the country, ठीक है। अगर उसे grow करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पूरे भारत में carpet sell करने पड़ेंगे, obvious ही बात है, सिर्फ एक छोटे से town से आखिर वो कितना ही कमा पाएगी। Now on her first customers outside Rajasthan was a furniture shop owner named Samir based in Mumbai, ठीक है। So on her first customers outside Rajasthan, तो राजस्थान के बाहर उनके फर्स्ट कस्टमर थे जो कि एक फर्नीचर शॉप के ओनर थे, जिनका नाम क्या था, समीर।
वो मुंबई में रहते हैं, ठीक है। समीर लव्ड रियाज कारपेट, समीर को रिया के कारपेट का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी लगी, ठीक है, एंड वांटेड टू सेल देम इन हिज स्टोर, वो अपनी फर्नीचर की दुकान में इनको सेल करना चाहता था। रिया वॉज एक्साइटेड, ऑब्वियसली ये पहली सीढ़ी है कि वो एक्सपैंड कर रही है अपने राजस्थान के स्मॉल टाउन के बाहर, ठीक है, एंड मुंबई वॉज अ बिग ब्रेक फॉर हर, तो उसने बहुत एक्साइटमेंट दिखाई एंड अब वो इंटरनल ट्रेड जो सेलिंग इन गुड्स, सेलिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ इंडिया टू अनादर वो चालू कर सकती है। अभी तक उसकी जो ट्रेड थी वो लिमिटेड थी टू अ स्मॉल टाउन, अब पूरे इंडिया में वो सेल कर पाएगी। इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप टू, अरेंजिंग ट्रांसपोर्टेशन। अब उसे क्या करना पड़ेगा कि वो अपने राजस्थान के एक छोटे से टाउन में उसके पास कारपेट्स रखें, वहीं उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अगर वो चाहती है कि समीर अपनी शॉप में उसके कारपेट्स को सेल करे, ठीक है, एज अ रिटेलर, एंड रिया होलसेलर है, ठीक है, तो उसको समीर के पास वो कारपेट्स भिजवाने पड़ेंगे। वो कैसे भिजवाए, है ना, राजस्थान एंड मुंबई इज एट अ ह्यूज डिस्टेंस, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम। सो रिया नीडेड टू शिप द कारपेट्स फ्रॉम राजस्थान टू मुंबई, उसने क्या मीडियम चुना, वाटरवेज, ठीक है। सो शी कॉन्टैक्टेड लॉजिस्टिक्स कंपनी टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स, सिंस दिस वॉज इंटरनल ट्रेड देयर वर नो कस्टम ड्यूटीज और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पेपर वर्क इन्वॉल्व। अब स्टूडेंट्स, कस्टम ड्यूटी क्या होता है, जब हम एक देश से दूसरे देश कुछ भेजते हैं तो वहां पर हमें एक टैक्स पे करना पड़ता है जिसका नाम होता है कस्टम ड्यूटी, जो कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगती है, ठीक है। बाकी हमारे पूरे देश में जीएसटी लगती है जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स। तो अब क्योंकि रिया राजस्थान से लेके मुंबई में सेल कर रही थी, है ना, शिप्स के थ्रू भेज रही थी अपने सारे कारपेट्स, तो वो विद इन इंडिया आता है, तो वहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कहलाएगा, वहां पे स्टेट टू स्टेट ट्रांजैक्शन कहलाएगा, ठीक है, स्टेट टू स्टेट डीलिंग कहलाएगी, एंड वहां पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है, ठीक है, पर जीएसटी लगता है सप्लाई पर, हर पॉइंट ऑफ सप्लाई पर जीएसटी लगता है, ठीक है। सो दिस वॉज इंटरनल ट्रेड, नो कस्टम ड्यूटीज और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पेपर वर्क विल बी रिक्वायर्ड, मेकिंग द प्रोसेस मच स्मूदर देन इफ शी वर एक्सपोर्टिंग अब्रॉड। अगर वो अब्रॉड एक्सपोर्ट करती तो उसको हैवी टैक्स पे करना पड़ता जिसका नाम है कस्टम ड्यूटी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया उसने, शिप्स का मीडियम अपनाया एंड सिंपल जीएसटी पे किया होगा। पेमेंट एंड इनवॉइसिंग, अब जब वो लोकल टाउन में सेल करती थी तो लोकल टाउन में तो बिल नहीं भी बनाए तो भी चलेगा, नाउ शी इज हैविंग अ बिग ब्रेक टू सेलिंग द प्रोडक्ट इन मुंबई, ठीक है, तो उसको प्रॉपर इन्वॉइसेस बनवाने पड़ेंगे, पेमेंट स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ेगा। सो रिया सेंट एन इन्वॉइस टू समीर, रिया ने समीर को एक बिल भेजा यानी इन्वॉइस भेजा, ठीक है, इंक्लूडिंग द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड था क्योंकि जीएसटी लगता है किस पर, सप्लाई पर लगता है, जब जब कोई भी व्यक्ति सप्लाई करेगा तब तब उसे जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। सो अ टैक्स दैट अप्लाइज टू सेल्स विद इन इंडिया, समीर पेड हर थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग, समीर ने उसको यूपीआई कर दिया होगा, फोन पे पेटीएम वगैरह, मेकिंग इट सिक्योर एंड इजी ट्रांजैक्शन। अब रिया को क्या करना है, नेटवर्क बिल्ड करना है, एक कस्टमर तो बन गए समीर जी, अब आगे भी तो करना पड़ेगा। नाउ एज हर कारपेट्स बिकेम पॉपुलर, रिया स्टार्टेड गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम अदर सिटीज, बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, शी बिल्ट रिलेशनशिप विद ट्रेडर्स एंड शॉप ओनर्स इन डिफरेंट स्टेट्स, एक्सपैंडिंग हर बिजनेस थ्रू इंटरनल ट्रेड अक्रॉस इंडिया। जैसे जैसे उसके कारपेट्स जो हैं वो पॉपुलर होते गए तो रिया ने और भी शहरों में ऑर्डर्स लेना चालू किए, जैसे बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, उसने अपने रिलेशनशिप ट्रेडर्स के साथ बहुत अच्छे बनाए थे, शॉप ओनर्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, जिससे उसके जो कारपेट्स हैं वो इंटरनली ट्रेड होते थे विद इन इंडिया, चाहे कोई भी सिटी ले लो, रिया वॉज रेडी टू सेंड देम गुड्स, ठीक है, क्योंकि उसकी क्वालिटी ऑफ कारपेट्स बहुत अच्छी थी। अब हमने क्या सीखा रिया की जर्नी से, उसकी इंटरनल ट्रेड तो सक्सेसफुल हो गई, यानी जो उसका एजेंडा था टू एक्सपैंड बियॉन्ड लोकल मार्केट, दैट इज सक्सेसफुल, बट हमने क्या सीखा उसकी जर्नी से, नो कस्टम ड्यूटीज, इंटरनल ट्रेड में कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। कस्टम ड्यूटी कब लगती है स्टूडेंट्स, जब हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, ओके। सो सिंस द ट्रेड वॉज हैपनिंग विद इन इंडिया देर वर नो एडिशनल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज। अब जीएसटी, जब भी आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करोगे तो जीएसटी
जीएसटी आपको लगाना पड़ेगा. सो एवरी सेल अक्रॉस स्टेट लाइन्स इन इंडिया इंक्लूडेड जीएसटी विच बोथ रिया एंड हर कस्टमर हैड टू अकाउंट फॉर, है ना. तो जब जब पॉइंट ऑफ सप्लाई आएगा तब तब सप्लायर एंड जिसको सप्लाई कर रहे हैं दोनों जीएसटी को अकाउंटेबल होंगे. ठीक है. एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन. रिया यूज्ड इंडियाज रोबस्ट लॉजिस्टिक नेटवर्क जो कि क्या था, रोड्स, रेलवेज, कुरियर सर्विस टू सेंड हर प्रोडक्ट अक्रॉस द कंट्री. और सबसे पहले उसने क्या चालू किया था, शिप्स, है ना, जो कि इजी एक्सेस था फ्रॉम राजस्थान टू मुंबई. तो उसने शिप ट्रांसपोर्टेशन चुना. बट अगेन शिप ट्रांसपोर्टेशन बहुत सारे रिस्क के साथ आता है. शिप सिंक हो सकती है, सामान डूब सकता है एंड कारपेट्स ऑब्वियसली दे आर मेड ऑफ क्लोथ मटेरियल, वो पूरे के पूरे खराब हो सकते हैं. सो हमने ये सीखा रिया की लर्निंग से. बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट्स. तो अगर हमें पेमेंट सिक्योर करनी है तो बैंक्स का यूज़ करना पड़ेगा, डिजिटल बैंकिंग सिस्टम का यूज़ करना पड़ेगा ताकि सिक्योर एंड क्विक पेमेंट्स हो. रीचिंग न्यू मार्केट्स. नाउ इंटरनल ट्रेड अलाउड हर टू सेल हर कारपेट्स नॉट जस्ट इन राजस्थान बट ऑल्सो इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, ग्रोइंग हर स्मॉल बिजनेस इन टू अ नेशनल ब्रांड. अब इसकी पूरी जर्नी में रिया लर्न्ड हाउ इंटरनल ट्रेड कनेक्ट डिफरेंट स्टेट्स हेल्पिंग बिजनेस लाइक हर स्ट्राइव अक्रॉस इंडिया. दिस स्टोरी helps us understand how goods move freely across the state borders within the country, enabling business to grow and prosper. ठीक है, हमें ये पता चला कि कैसे goods move होते हैं across the country. Okay, now we understood that Riya has developed this internal trade of hers. अब हम समझते हैं bookish language में students what is internal trade. I hope आपने video को like किया था, नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए. Start करते हैं हम हमारा sub topic का extended topic जो कि Riya के example से ही निकल के आया, that is internal trade क्या होता है. So definition लिख लीजिए अपनी concept register में. Internal trade is the buying and selling of goods and service within the boundaries of the nation. यानी within India जितने भी हम trade कर रहे हैं buying and selling of goods, that is internal trade, है ना, कोई भी transportation medium से. ठीक है. So internal trade is also known as home trade. यानी हमारा देश क्या है, हमारा घर है. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, home trade. और inland trade और domestic trade. ठीक है, इनलैंड डोमेस्टिक होम, याद कर लो, इनलैंड डोमेस्टिक होम. फिर से बोलो मेरे साथ, इनलैंड डोमेस्टिक होम. ओके, नाउ द पेमेंट्स इन इंटरनल ट्रेड आर मेड इन नेशनल होम करेंसी डायरेक्टली और थ्रू द नेशनल बैंकिंग सिस्टम. तो पेमेंट आप किसी भी मीडियम से कर सकते हो. इंटरनल ट्रेड इज फ्री फ्रॉम कस्टम ड्यूटी बिकॉज या फिर इम्पोर्ट ड्यूटी, क्योंकि गुड्स जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन का पार्ट है और डोमेस्टिक कंजम्पशन ही होगा उन गुड्स का, ना ही वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का पार्ट है, ना ही कोई इंटरनेशनल प्लेयर एंट्री कर चुका. ठीक है. इंटरनल ट्रेड एम्स एट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स विद इन नेशन स्पीडली एट अ रीजनेबल कॉस्ट. हम विद इन नेशन जब ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होते हैं सो वो एयरप्लेन, शिप्स वाला कॉस्ट नहीं लगता जो हम आउटसाइड कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होते हैं तब. सो इंटरनल ट्रेड क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स का अश्योर करता है. अब टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, वन ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन. अगर स्केल छोटा है तो हम क्या बोलेंगे, रिटेल. अगर स्केल बल्क में है, बड़ा है, तो हम बोलेंगे होलसेल. ठीक है. द इंटरनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री में बी डिवाइडेड इंटू टू मेन टाइप्स. फर्स्ट इज होलसेल ट्रेड एंड सेकेंड इज रिटेल ट्रेड. बोथ होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड आर एसेंशियल टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड यूजर्स और अल्टीमेट कंज्यूमर्स. दोनों ही जरूरी हैं, हम आगे इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इंटरनल ट्रेड का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, दैट व्हाट इज इंटरनल ट्रेड, रियास हैंडीक्राफ्ट की जर्नी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आपको क्या करना है. स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ. आपको अगर ई नोट्स, ई बुक्स चाहिए उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी. ये हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप. इनको अश्योर करना है कि आप इनको फॉलो करें यहाँ से मैग्नेट ब्रेन्स को. अपार्ट फ्रॉम दैट आप यूट्यूब चैनल से भी हमसे कनेक्टेड हैं, हम आपको शॉर्ट्स के थ्रू अपडेट्स देते हैं, प्लेलिस्ट पर आपको सिस्टमैटिक वीडियोस मिल जाएंगे. रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड दिस विद केस स्टडी सीरीज विच विल बी सो मच बेनिफिशियल फॉर योर एग्जामिनेशन. अब आप बात करें हमारी ऐप और वेबसाइट की, आपको मिलते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. स्टूडेंट्स, जितनी भी एजुकेशन आपको मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर मिलती है, दैट इज 100% फ्री. वी डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू. एंड स्टूडेंट्स, वी प्रोवाइड यू इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम बोथ द कोर्सेज
बट इंग्लिश मीडियम का चैनल ये है और हिंदी मीडियम का चैनल सेपरेट है। इंग्लिश मीडियम के इस चैनल पर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फॉर सीबीएसई बोर्ड। एंड जो सेपरेट चैनल है हिंदी मीडियम का, जैसे मैंने बताया, वहाँ पे हम आपको 6 to 12 तक की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड यू वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश एक्स्ट्रा को करिकुलर कोर्सेज। इफ यू हैव इंटरेस्ट यू कैन श्योरली एक्सेस दोस। एंड क्रैश कोर्स भी आपको मिलता है जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। सो देर किस बात की है, फटाफट से सारे रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करिए। हमारा लक्ष्य क्या है, हमें लाने हैं 100 on 100 इन बिजनेस स्टडीज। हम लास्ट ऑफ द लास्ट चैप्टर्स पे ही खड़े हैं। सो आपको फटाफट से अपनी स्पीड अप करनी प्रिपरेशन एंड लेट्स स्कोर गुड मार्क्स इन बिजनेस स्टडीज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सुपर सून।